तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, उसमें लास्ट टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट में कितना करवाया था, क्योंकि अभी एक वीक का आई थिंक गैप एक वीक की हो चुकी है इसकी वजह से। अभी देखें इसमें एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस। अगर अपने ये पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में अपने जितने भी टॉपिक है उसमें ये लास्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक है ना समझने में बहुत आसान है। इसमें आपको दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स या तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट बताए गए। जो पहला है वो तुम्हारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स तुम्हारे कंट्रोल में, इसका मतलब ये है कि तुम उसको जैसे अपनी मर्जी चाहे वैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, और ये फैक्टर्स आपके पूरे काबू में होते हैं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं भी दिया जाए तो चल जाता है। लेकिन जो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, आर द फैक्टर्स विद द कंपनी मस्ट मॉनिटर दे आर। उसमें कौन कौन सी चीजें आती है तो देखो, एक तो डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन रिलेटेड, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, ये सारी चीजें तुम्हारी इसमें आती है। सब नीचे अभी एक के बाद एक सीखेंगे। अब मार्केटर्स मस्ट पे अटेंशन टू देयर इंटरेक्शन, हमको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों के ऊपर, क्योंकि इससे तुम्हारे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती है और कुछ थ्रेट्स भी आते हैं। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या, शायद तुम्हारे सामने तो एक नया रास्ता खुल जाए जिससे तुम अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा पाओ, और थ्रेट यानी सारे रास्ते बंद हो जाए, ये भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे डेमोग्राफिक है, इसमें पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो इससे होता क्या है कि नए लॉज आते हैं, नए लॉज पॉलिटिकल और लीगल रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे सामने खड़े करते हैं, रिस्ट्रिक्शन स्टिम्युलेट करेंगे नई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन को और नई प्रोडक्ट को, नई टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी तुमको लानी पड़ेगी। अब नई टेक्नोलॉजी अगर तुम्हारे सामने आएगी तो उसके साथ में खर्चा भी तुम्हारा बढ़ेगा, और हमको इसीलिए कोई ऐसा अफोर्डेबल सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, एक ऐसा अफोर्डेबल सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है जिससे हम हमारे पूरे समाज का जो एटीट्यूड है वो अपनी तरफ फेवर में कर पाए और अच्छी तरह से हम उसको समझ पाए। अब देखो ये जो था ना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अब इसके अंदर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से अपने शुरुआत करते हैं, तो मार्केटर्स आर कीनली इंटरेस्टेड इन द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट सिटीज रीजन एंड नेशंस, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एथनिक मिक्स, एजुकेशन लेवल, सब है। ये जो भी ऊपर लिखा है ना वो सब नीचे यहाँ पे वन बाय वन एक के बाद एक नीचे आएगा। सबसे पहले उसके अंदर आता है देखो, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ। वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज मेजर इफेक्ट ऑन बिजनेस। अ ग्रोइंग पॉपुलेशन डज नॉट मीन ग्रोइंग मार्केट अनलेस दीज मार्केट्स हैव सफिशिएंट परचेजिंग पावर। तुम्हारे पास खरीदने की ताकत ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है, एक सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़े लेकिन पॉपुलेशन के पास इतनी ताकत नहीं है को खरीद शक्ति रखती है, तो अगर खरीदने की उनके पास ताकत ही नहीं है तो फिर ज्यादा पॉपुलेशन से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तुमको। उल्टा हम जो हमारी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो हम बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नए जो कस्टमर्स तुम्हारे बढ़ रहे हैं वो नए कस्टमर के पास इतना परचेसिंग पावर है ही नहीं। फिर नेक्स्ट आता है उसके बाद में पॉपुलेशन एज मिक्स। अब पॉपुलेशन को अब अलग अलग 6 एज ग्रुप के अंदर अपने डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्री स्कूल एज चिल्ड्रन यानी स्कूल जाने से पहले, फिर टीनेजर्स, फिर यंग है, फिर एडल्ट जिसमें 25 से 40 के बीच में, फिर मिडिल एजेड एडल्ट्स और उसके बाद में 40 से 65 की एज के अंदर, फिर ओल्डर एज एडल्ट्स 65 एंड अप। द मोस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप्स शेप द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। याद रखना ये कि हमारे सामने सबसे बड़ा एज ग्रुप कौन सा है, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करने वाले
लोग, हमारी प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग कौन? तो अगर 40 से 65 के बीच में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम वैसी ही चीज़ें बनाएंगे जो 40 से 65 ईयर्स की एज के बीच में ज़्यादा चलती हो। फिर एथनिक मार्केट। एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब हर ग्रुप, हर समाज, उसका कुछ अलग से एक रुझान होता है, एक रवैया होता है, एक एटीट्यूड होता है। इसमें रेस भी, रेस यानी क्या, समाज यानी जाति जिसको बोला जाता है। हर जाति अलग अलग तरीके से अपने त्योहार मनाती है। ईच ग्रुप हैज स्पेसिफिक सर्टेन स्पेसिफिक नीड्स, वॉन्ट्स एंड बाइंग हैबिट्स दैट मार्केटर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड। तो मार्केटर्स को ये समझना पड़ेगा कि कैसे अपनी जो ज़रूरतें हैं, वॉन्ट है या तो बाइंग हैबिट है, उन सब के अंदर कैसे अपने अलग अलग लोगों के लिए नई चीज़ें लानी है। जैसे अभी फेस्टिवल किसका, होली का फेस्टिवल अभी गया रिसेंटली, अभी ये जो फेस्टिवल हमारे सामने से गुजरा तो उसके अंदर सेलिब्रेशन कम हुआ, तो मार्केट के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट थी वो इतनी ज़्यादा बिकी नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि पूरे साल का, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पूरे साल का जो भी बिजनेस है वो इतने टाइम पीरियड के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो, आदिवासी लोग इसी टाइम पीरियड के अंदर खरीदारी ज़्यादा करते हैं। फिर एजुकेशनल ग्रुप्स है, द पॉपुलेशन इन एनी सोसाइटी फॉल्स इन टू 5 एजुकेशनल ग्रुप। पहला आता है उसके अंदर इलिटरेट, इलिटरेट यानी जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग। फिर हाई स्कूल ड्रॉप आउट, यानी हाई स्कूल में कभी गए नहीं, उसके पहले स्कूल छोड़ दी, फिर हाई स्कूल से डिग्रीज ली, फिर कॉलेज की डिग्री, और लास्ट में आता है प्रोफेशनल डिग्री। जैसे जैसे तुम्हारे पास डिग्रीज बढ़ती जाती है वैसे तुम्हारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती है और बदलती है वो। फिर हाउस होल्ड पैटर्न्स, मोर पीपल आर डिवोर्सिंग और सेपरेटिंग, नॉट मैरिंग, मैरिंग लेटर और मैरिंग विदाउट द इंटेंशन टू हैव चिल्ड्रन। ईच ग्रुप हैज अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ नीड्स एंड बाइंग हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल, सेपरेटेड, विडोड एंड डिवोर्स पीपल नीड स्मॉलर अपार्टमेंट। अकेला इंसान अगर रहने वाला हो तो छोटा एक रूम किचन का भी उसको फ्लैट चल जाएगा। अप्लायंसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए उसको, फर्नीचर भी कम, और फूड में भी क्या, पैकेज फूड खा लेगा तो भी चलेगा उसको। तो मार्केटर्स मस्ट ट्राई टू कंसिडर द स्पेशल नीड्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड्स बिकॉज दे आर नाउ ग्रोइंग मोर रैपिडली देन ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड। अब नॉन ट्रेडिशनल का मतलब क्या? अपना पुराना समाज, ज्वाइंट फैमिली के अंदर जो अपने रहते हैं वो अपना पुराना समाज, उसको ट्रेडिशनल बोला जाता है। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल है वो कैसा, आज का नया समाज कि जिसके अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूट चुकी है, टूटती जा रही है। और तो हमको यहाँ पे दोनों को समझना पड़ेगा, पुराने लोगों को भी और नए लोगों को भी। फिर आता है उसके बाद में ज्योग्राफिकल shifts in population. This is a period of great migratory movement between and within the countries. तो कंट्री के अंदर अंदर भी अपने एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं काम की तलाश में। Within countries, population movement also occurs as people migrate from rural to urban areas. लोग गांव से cities में जाते हैं और कई बार सब urban areas में जाते हैं। सब अर्बन एरियाज यानी मतलब क्या, अर्बन एरिया के थोड़े दूर का इलाका लेकिन वो अर्बन एरिया के साथ में जुड़ा हुआ हो। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखें इसमें, तो मार्केटर्स मस्ट पे अटेंशन टू ट्रेंड्स अफेक्टिंग परचेसिंग पावर बिकॉज दीज कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, स्पेशली फॉर कंपनीज ऑफरिंग प्रोडक्ट्स गियर टू हाई इनकम एंड प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कस्टमर की परचेसिंग पावर एक जैसी नहीं होती है। हर कस्टमर चाहता है कि उसको अफोर्डेबल कोई चीज मिले। कुछ कस्टमर अफोर्डेबल मांगेंगे, कुछ कस्टमर हाईली क्वालिटेटिव चीज मांगेंगे, कुछ को ऐसा नहीं कि सर्विस अच्छी चाहिए। तो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो पहले तो अपने इसके अंदर क्या सीखना पड़ेगा
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो पांच अलग अलग इनकम के लोग, एक तो वेरी लो इनकम, फिर मोस्टली लो इनकम, फिर वेरी हाई इनकम, फिर लो मीडियम हाई इनकम, और लास्ट में मोस्टली मीडियम इनकम। ये पांच अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करो। फिर सेविंग डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कस्टमर्स के पास अगर सेविंग्स अच्छी हो तो कस्टमर खरीदेगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्योंकि उसके पास सेविंग्स है, इसलिए वो प्रोडक्ट को यानी पसंद करेगा तो प्रोडक्ट को वो अपनी सेविंग्स में से भी खरीद पाएगा। फिर डेट, लोन आसानी से मिल जाती है, क्रेडिट आसानी से मिल जाती है तो भी। फिर आउटसोर्सिंग एंड फ्री ट्रेड, एन इकोनॉमिक इशू ऑफ इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस इज द माइग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस जॉब्स ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब क्या? ऑफशोर का मतलब अपने देश में नहीं, देश के बाहर जो माइग्रेशन होता है वो। मेनी फर्म्स सी आउटसोर्सिंग इज अ कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी, बट मेनी डोमेस्टिक वर्कर्स सी इट एज अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ फर्म आउटसोर्सिंग को क्या मानते हैं? आउटसोर्सिंग को सबसे अच्छा मानते हैं, कि बाहर की कंट्री में अगर अपने काम को भेजेंगे तो इससे अपना फायदा होता है। लेकिन उसके साथ में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो अपोज करते हैं कि उनकी नौकरियां चली जाती है इसमें, बराबर ना, इसी वजह से। अब देखो थर्ड देखते हैं, सोशल कल्चरल एनवायरमेंट, सोसाइटी शेप्स आर बिलीव्स एंड वैल्यूज नॉर्म्स एंड अदर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू मार्केटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। पहले तो हाई परसिस्टेंस ऑफ कोर वैल्यूज, कोर वैल्यू यानी जो पाया नहीं मान्यताओं कही है ना अपने थे, अरे परसिस्टेंस यानी इन्हें ऊपर अपने वधारे बाहर आपको। द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी होल्ड मेनी कोर बिलीफ्स एंड वैल्यूज दैट टेंड टू परसिस्ट, एंड दीज बिलीफ्स एंड वैल्यूज आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, ये वैल्यूज को सिखाते हैं, एंड आर इन्फोर्स्ड रीइन्फोर्स्ड बाय मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर स्कूल कॉलेज वाले, बिजनेस वाले या गवर्नमेंट आपको ये बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ सब कल्चर, सब कल्चरल ग्रुप शो डिफरेंट वॉन्ट्स एंड कंजम्पशन बिहेवियर। मार्केटर्स कैन टारगेट पर्टिकुलर सब कल्चर्स, फॉर इंस्टेंस मार्केटर्स लव टीनेजर्स बिकॉज वो ट्रेंड सेटर्स है फैशन में, म्यूजिक में, ये सब में वो ट्रेंड सेटर्स है। यानी कुछ नया अगर किसी को समझाना हो तो आसानी से ये टीनेजर्स ज़्यादा समझ जाते हैं। तो अगर इन लोगों को टारगेट किया जाए तो फिर वो सिर्फ ना आज के लिए लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी तो हमारे लोयल कस्टमर बन जाएंगे। फिर शिफ्ट्स ऑफ सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज थ्रू टाइम, ऑल्दो कोर वैल्यूज आर फेयरली परसिस्टेंट, कल्चरल स्विंग्स डू टेक प्लेस। अब कल्चरल स्विंग्स का मतलब क्या? कल्चर भी बदलते हैं, ऐसा है नहीं कि कल्चर हमेशा सेम ज रहता है। सालों से हमारी खाने की हैबिट चेंज हो गई है, खाने पीने की जो हैबिट थी पहले वो अलग थी, आज अलग है। उसके पीछे का कारण क्या? कल्चर में स्विंग्स आया, इसलिए पिज्जा बर्गर वाली जो जनरेशन है अभी वो पहले नहीं देखने को मिलती थी। ये कल्चरल स्विंग्स है, दूसरा कुछ नहीं। इससे भी मार्केटर्स को क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखने को मिलता है। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट, इन जनरल मार्केटर्स शुड बी अवेयर ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू फोर ट्रेंड्स, चार अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं इसमें। बिकॉज ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज अ मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम। आज पूरी दुनिया की ये समस्या है कि पूरी दुनिया में जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता जा रहा है। तो जो बहुत सारी सिटीज है जिसमें एयर और वाटर पॉल्यूशन वो डेंजरस लेवल से भी ऊपर जा चुका है। ये अभी अपने ठंडी की सीजन में देखते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के अंदर किस तरह से स्मोग, जो धुआं है उसके कारण कितनी तकलीफ होती है, सांस लेने लायक बिल्कुल भी एयर क्वालिटी नहीं रहती। तो यहाँ पे चार चीजों को बताया गया है। देखो पहले शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, चार ट्रेंड्स है उसमें पहला शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो उसके लिए दो तरह के रिसोर्सेस चाहिए, एक रिन्यूएबल और दूसरा है तुम्हारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस।
इससे कॉस्ट में इंक्रीज, याद रखना कि कॉस्ट बढ़ती है। अगर आप रिन्यूएबल सोर्सेज लेते हो तो शायद वो महंगे मिलेंगे आपको, और नॉन रिन्यूएबल जो वो सस्ते मिले, लेकिन उससे एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। तो यहाँ पे फर्म को रिसर्च और डेवलपमेंट इसलिए करना पड़ता है कि हम एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने क्रिएट कर पाए, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए हम हमारे एनवायरमेंट से, और साथ में हम ऐसे मटेरियल को ला पाए जो सस्ता भी पड़े और एनवायरमेंट को नुकसान भी ना कर पाए। फिर इंक्रीज्ड एनर्जी कॉस्ट, फर्म्स आर ऑल्सो डेवलपिंग मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ सोलर, न्यूक्लियर एंड विंड, यानी ज्यादा अपने एफिशिएंट प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हमको सोलार, अब सोलार से तो सब हम जानते ही है कि कितना ज्यादा अब धीमे धीमे फैलता जा चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी भी है, न्यूक्लियर रिएक्टर से अपने परमाणु ऊर्जा जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में विंड एनर्जी, जो विंड मिल के अंदर से हमको वो मिलता है वो। फिर एंटी पोल्यूशन प्रेशर, लार्ज मार्केट हैज बीन क्रिएटेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल सॉल्यूशंस, ओपनिंग द वे फॉर ऑल्टरनेट प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग मेथड्स। अब एंटी पोल्यूशन प्रेशर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक एनजीटी जिसको बोला जाता है, वो अगर कोई भी जगह पे कोई भी, अभी यहाँ पे होली धुलेटी के अंदर जो भर्ती आती है ना, उसमें भर्ती के कारण जो पोल्यूशन था मही नदी के अंदर वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसमें बहुत सारे झाग जो है ना, उस वाला पानी बाहर आता गया, जो झाग वाला पानी है ना एकदम किनारे पे आ गया। तो ये इससे पता चलता है हमको कि कितना पोल्यूशन क्रिएट हो चुका है। तो एनजीटी ने, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तुरंत ही उसको अलर्ट जारी किया इसके सामने। तो अब देखो, जो एनवायरमेंट को संभालेंगे नहीं, वैसे यूनिट को ये लोग बंदेज करवा देंगे, इसलिए हमको भी क्या करना पड़ेगा, पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। अब चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या, तो गवर्नमेंट पहले क्या थी, गवर्नमेंट पहले रिस्ट्रिक्शन वाली गवर्नमेंट थी, आज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन वाली नहीं है, लेकिन आज ये जानती है गवर्नमेंट के पुअर कंट्रीज को डेवलपमेंट भी करना है और साथ में एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो क्लीन एनवायरमेंट विथ मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें साथ में कैसे करनी है, वो गवर्नमेंट का रोल हो चुका है। इसलिए ये रोल हमारे सामने गवर्नमेंट के, हमारी गवर्नमेंट के सामने ये दोनों रोल एक साथ में प्ले करने के आते हैं। फिर आता है उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक फोर्सेस शेपिंग पीपल्स लाइव्स इज टेक्नोलॉजी। मार्केटर्स मस्ट मॉनिटर दीज ट्रेंड्स एज टेक्नोलॉजी, द पेस ऑफ चेंज, द अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन, वेराइंग R&D बजेट्स एंड इंक्रीज रेगुलेशन। यानी मार्केटर्स को क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी मॉनिटर करो कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि याद रखो कि जो बिजनेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा वो बाकी सबसे कस्टमर को लुभाने में, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, अपनी तरफ लाने में वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। एक्सीलरेटिंग पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर चेंजिंग मार्केट्स एंड नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी एनेबलिंग पीपल टू टेलीकम्युनिकेट वर्क एट होम इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टू एन ऑफिस। देखो, अब घर से ही काम करना आ चुका है, तो इसमें ऑटो पोल्यूशन कम हो गया, ब्रिंग फैमिलीज क्लोजर एंड क्रिएट होम सेंटर्ड शिपिंग एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो, ये घर से ही काम, वर्क फ्रॉम होम के कारण जो पोल्यूशन है वो कितना कम हो जाएगा, ट्रैवलिंग कम हो जाएगा, टाइम बचेगा सबका, ये सब होता है इसमें। फिर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशंस, द चैलेंज इन इनोवेशन इज नॉट ओनली टेक्निकल बट ऑल्सो कमर्शियल टू डेवलप अफोर्डेबल न्यू वर्जन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। टूडे साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन अ स्टार्टिंग रेंज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट विल रिवोल्यूशनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आजकल अपने क्या देख रहे हैं,
हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट को चाहते हैं कि जो अफोर्डेबल हो, टेक्नोलॉजी जिसकी ज्यादा अच्छी, और साथ में जो प्रोडक्शन के प्रोसेस को कम करें और इजीली मार्केट में वो प्रोडक्ट को हम रख पाए, वैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। फिर R&D बजट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट वेराइंग यानी बदलता है। मेनी फर्म्स आर कंटेंटेड टू पुट देयर मनी इनटू कॉपिंग कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस जो कॉम्पिटिटर करते हैं वो कर लो, उनकी कॉपी कर लो तो अपना भी काम बन जाएगा उससे, एंड मेकिंग माइनर फीचर और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। आज अपने देखते हैं कि चाइना के अंदर जो फोन मार्केट है वो कैसा हो चुका है। एक कंपनी ने कुछ निकाला, सेम टू सेम चीज दूसरी कंपनी ने भी नहीं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो किसी को मालूम नहीं। बस एक ने निकाला इसलिए हमको भी वो प्रोडक्ट बाहर मार्केट में डालना पड़ेगा। इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। गवर्नमेंट एजेंसीज हैव पावर्स टू एक्सपांड, इन्वेस्टिगेट एंड बैन पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट्स। मार्केटर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज रेगुलेशंस व्हेन प्रपोजिंग, डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम नए नए रेगुलेशंस सामने देखते हैं डेवलप, और नई प्रोडक्ट को मार्केटर्स को हम ये रेगुलेशंस को सामने रख के देखना पड़ेगा। आज देखो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है हमारे सामने। अब देखो लास्ट है इसमें पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। मार्केटिंग डिसीजंस आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय डेवलपमेंट्स इन द पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ लॉज एंड फॉलोइंग थिंग्स। एक तो पहले बिजनेस के लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन यानी कानून जिसको बोला जाता है। तीन अलग अलग मकसद होते हैं बिजनेस लेजिस्लेशन। पहली बात तो क्या कि हम कंपटीशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी, अनफेयर कंपटीशन यानी बेकार की कंपटीशन ना हो, कुछ गलत एक दूसरे के साथ में बिहेवियर ना किया जाए, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस यानी मतलब चोरी एक्सप्लोटेशन वगैरह ना हो, और सोसाइटी को अनजस्ट बिहेवियर, बिजनेस का कोई भी खराब बिहेवियर सोसाइटी को परेशान ना करे, ये होना चाहिए। ओवर द इयर्स लेजिस्लेशन अफेक्टिंग बिजनेस स्टेडीली इंक्रीज। अब बहुत सारे कानून इसके अंदर नए बनाए गए हैं सालों के अंदर। ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेशर बिजनेसेस टू पे मोर अटेंशन टू कंज्यूमर्स राइट। अब गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करे, विमेन्स राइट को, माइनॉरिटी के राइट को, गे राइट्स को प्रोटेक्ट करे। मेनी कंपनीज हैव पब्लिक अफेयर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स टू डील विद दीज ग्रुप्स एंड इश्यूज। तो इनके लिए नए नए डिपार्टमेंट्स अलग अलग ओपन करने पड़ते हैं और उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए क्या किया गया है, देखो यहाँ पे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाई गई है पूरी, जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इसी तरह से काम करती है, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहाँ से, मार्केट से कलेक्ट करके मार्केटर्स तक पहुंचाना, और उसके बाद में उसके बेस के ऊपर कस्टमर दो वो प्रोडक्ट देना वो कस्टमर जो चाहता है वो। तो देखो आज मैं यहाँ तक कंप्लीट कर पा रहा हूँ।